नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश यादव और स्वागत है आपका आपके चैनल फाइनल इंप्रेक्शन में। और आज बात करने वाला हूं उन लोगों के बारे में जो लोग बोलते हैं कि हमारी वैल्यू कम होने लगी है या हमको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता या हमारी अहमियत कम होने लगी है। तो आज मैं उन लोगों के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो हमारी वैल्यू कम होने लगी है, हमको कोई कुछ समझता नहीं है, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं इग्नोर हो रहा हूँ, मेरे उसके लाइफ में कोई अहमियत नहीं रह गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है? रीज़न सिर्फ एक है, रीज़न है सिर्फ और सिर्फ आप उसके भाव बढ़ा देते हैं, आप उसको ये जता देते हैं कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, आप उसको ये बता देते हैं कि तेरे बिना मेरी लाइफ नहीं है, आप उसको बता देते हैं कि तेरे बिना मैं मर जाऊँगा, आप उसको बता देते हैं तेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ अगर हम साथ रहेंगे तभी है, तू चली गई तो मैं मर जाऊँगा। इस तरह की बातें करके आप उसके भाव बढ़ा देते हैं, उसका स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं और अपना स्टैंडर्ड घटा देते हैं। जब सामने वाले को ये समझ आ जाता है कि ये मेरे बिना नहीं रह सकता, ये इसकी लाइफ मेरे बिना नहीं चल सकती, तो ऑटोमेटिक वो आपको इग्नोर करने लगेगा, ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और आपकी वैल्यू घटती जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं कुछ भी कर लूँ आएगा ही मेरे पास ही, मैं कुछ भी कर लूँ कितना रुला लूँ कितना इसको परेशान कर लूँ आएगा ही मेरे पास ही, क्योंकि किसी और के पास ये जा नहीं सकता, किसी और से बात करता नहीं है। और आप सामने से उसको बता ही देते हो कि मैं तेरे अलावा किसी से बात नहीं करता। दूसरा मेजर रीज़न ये है कि वो आप उसको रिप्लाई कर देते हो, जब आप उसको मैसेज करते हो सामने से रिप्लाई आती नहीं है, जब रिप्लाई आते हैं 15-20 मिनट बाद आप उसको रिप्लाई कर देते हो फटाक से। अगर एक एग्जांपल दूं तो अगर आपने 9:30 बजे अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया या अपनी क्रश को मैसेज किया, जिसको आप लाइक करते हैं उसको मैसेज किया, उसने 9:30 को जो आपने मैसेज किया था 9:30 बजे, वो आपको रिप्लाई मिलता है 9:50 मिनट पे, आप उसको रिप्लाई कर देते हो फटाफट से 9:51 पर, यानी कि आप को रिप्लाई के लिए 20-30 मिनट का इंतज़ार करना पड़ा, बट उसको रिप्लाई आप 1 मिनट के अंदर दे रहे हो, तो उसको ये समझ आ जाएगा कि मेरे मैसेज की वैल्यू उसके लाइफ में बहुत है। बट कि ऐसा होना नहीं चाहिए, फ्री आप भी नहीं हैं, काम आपके पास भी हैं, बिज़ी आप भी हैं, आपके पास भी 36 काम होते हैं, बट आप समय निकालते हो ना रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। बट जब वो आपको इग्नोर कर रहा है, अब आप कुछ लोग ये बोलेंगे, कुछ लड़कियां ये बोलेंगी और कुछ लड़के ये बोलेंगे कमेंट में मुझको ज़रूर कि भाई वो बिज़ी भी तो हो सकती है काम में, मानता हूँ काम सबको होता है, कोई बोलेगा नेट नहीं चल रहा होता है, मानता हूँ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मानता हूँ मैं, प्रॉब्लम एक बार होती है, प्रॉब्लम दो बार होती है, प्रॉब्लम तीन बार होती है, जो डेली वो प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको एक तरह से प्री प्लान्ड चीज़ें होती हैं, ये प्रॉब्लम एक दो बार समझ आती है, बट जो रोज़ रोज़ हो प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं रोज़ मैसेज कर रहा हूँ और रोज़ मुझको 5-5, 7-7 मिनट बाद रिप्लाई मिल रहे हैं, तो ये कोई चीज़ नहीं है, ये कोई बात नहीं है। अगर मैं आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हूँ तो मैं प्रायोरिटी पे होना चाहिए, अगर मैं आपकी लाइफ में कहीं स्टैंड करता हूँ तो मेरी प्रायोरिटी आपकी लाइफ में होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं अगर 9:10 मिनट पर आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, 9:15 पर रिप्लाई आप मुझको करोगे और आप उम्मीद रखते हो कि 7:00 मैं आपको रिप्लाई दूँ, तो ये कभी नहीं हो सकता। अगर आप ये कर रहे हो 7:00 रिप्लाई कर रहे हो 5-7 मिनट की देरी के रिप्लाई के बाद भी, तो आपसे बड़ा गधा कौन, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन, और आपसे बड़ा समझ गए होंगे उससे बड़ा आप कौन। तो बस यही बोल रहा हूँ, सामने वाले को जताओ मत, सामने वाले को बताओ मत कि तेरा क्या रोल है मेरी लाइफ में, सामने वाले को जताओ मत कि तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। एक तरीके से रहो, नॉर्मली बिहेव करो, एक रिलेशनशिप को रिलेशनशिप की तरह से चलाओ, कुत्ते बन के मत चलो। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत हसीन है, अगर सामने वाले को जता दोगे बता दोगे कि तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तो खुद ही अपनी वैल्यू कम करने लगोगे, खुद ही वैल्यू घट जाएगी। तो उम्मीद है इस मेरी थोड़ी सी इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया होगा और आने वाले रिलेशनशिप में आपको थोड़ी सी हेल्प मिल पाएगी। तो वीडियो कैसी लगी मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कोई भी टॉपिक के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो आप मुझको आके वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं किसी एक टॉपिक पे, तो आप भी मुझको जाके इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, या फिर कोई एक आपको पूरा का पूरा एक टॉपिक चाहिए, 5-4 एक साथ टॉपिक आए पूरे के पूरे क्लिप के साथ, तो भी आप मुझको बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।